दोनों हाथों की फिंगर्स। यस फ्रेंड्स, अब हम करेंगे आनापानासति से ध्यान। अगर कोई नया है तो वो देख ले, ऐसे दोनों हाथों की फिंगर्स क्रॉस करके ढीले से अपनी गोदी में रखनी है। प्रज्ञा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया गोदी में हाथ रख लेंगे और आलती पालती मार लें, या फिर पांव लंबे करके क्रॉस कर लें, या आप कुर्सी में सोफे में बैठ के पांव लटका सकते हैं, बट क्रॉस होने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में आंखें अगर बंद करते हैं तो 80% एनर्जी बचती है बाहर जाने से, और 10-10 हाथ और पांव को क्रॉस करने से टोटल 100% एनर्जी हम बचा लेते हैं अपने शरीर में। फिर जब हम ध्यान करते हैं अपने नेचुरल ब्रेथ्स पर, जो हम 24 घंटे ले रहे हैं, ना जबरदस्ती लेनी होती है ना छोड़नी होती है, बस उसी सांसों को ही हमें फील करते जाना है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे बीच में आ चुकी हैं प्रभा शर्मा जी आ चुकी हैं, वो ध्यान कराएंगी। प्रभा जी आपका स्वागत है, आइए आप वेलकम। उनको को-होस्ट बना दीजिए प्रज्ञा जी। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रभा मैम। हेलो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स प्रज्ञा जी। यू वेलकम। आज हम चलते हैं ध्यान की ओर। तो सबसे पहले म्यूजिक इन्होंने बोला है, कोई पानी जो सब आवाज आ रही हो बैकग्राउंड से, वैसा मेरी आवाज के लिए है? बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे प्रज्ञा जी ने आप सबको बताया, आप सब लोग पोजीशन ले सकते हैं आनापानासति की पोजीशन जो होती है, जिसमें कि पहले आप कंफर्ट और बैठ जाइए, उसके बाद जब हम स्टार्ट बोलेंगे तो सब पोजीशन ले लेंगे। प्रज्ञा जी म्यूजिक भी चाहिए साथ में, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक। हाँ जी लगा रही हूँ। हाँ जी लगा रही हूँ। कुछ पानी वाला कहा इन्होंने लगाने के लिए। जी जी लगा, कोई नहीं, कुछ भी लगा दीजिए आज, कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं अपने हिसाब से कर लूंगी इसको। नहीं लग जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स, सब लोग कंफर्टेबल हो जाइए, अपनी पोजीशन ले लीजिए आनापानासति वाली। आना का मतलब सांस का आना, पाना का मतलब सांस का बाहर जाना, सती का मतलब इस सांसों के साथ रहना। अपने लेग क्रॉस करिए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को टाइटली बॉइंड करिए और अपनी आंखों को बहुत धीमे से बंद करिए। यदि किसी ने चश्मा पहना हुआ है तो स्पेक्स उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम ध्यान की ओर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सांसों की कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो फ्रेंड्स, सांस हमारे लिए कितनी जरूरी है। जब हम सांसों को लेते हैं छोड़ते हैं तो वो एक वायु के रूप में होती है, लेकिन जब हम आनापानासति के साथ उस सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो हमारे प्राण वायु में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्राण वायु। तो फ्रेंड्स, हम सब इसी के साथ मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स फील करिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बैक बोन को स्ट्रेट रखिए विदाउट प्रेशर के साथ। अपने माइंड को सांसों के साथ छोड़ दीजिए।
अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हमें सिर्फ अपनी बंद आंखों से अपनी श्वासों पर ध्यान देना है, किस तरह से श्वास हमारे अंदर आ रही है, कितने भीतर तक जा रही है, और बाहर निकालते समय भी हमें सिर्फ श्वासों पे ही ध्यान देना है। श्वास ही हमारा जीवन का आधार है। ये हमारी प्राण वायु है। जब हम आनापानासति ध्यान के साथ सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, मतलब सकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करते हैं। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं ध्यान के द्वारा, तो हमारी बॉडी से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार बाहर निकल जाते हैं और हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं महावतार बाबा जी का आह्वान करने के लिए। महावतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन, उनका आह्वान करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह भाद्रे जी को कोटि कोटि नमन, उनका आह्वान करते हैं। हिमालय में रहने वाली सभी संतों को अपने साथ ध्यान में जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं। बजरंगबली को बुलाते हैं, माता रानी को बुलाते हैं, और आप सभी दोस्तों जिस किसी को साथ, किसी को अपने साथ ध्यान में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अब हम सब इनके साथ बैठकर शांत मुद्रा में आनापानासति पोजीशन में
ध्यान में हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं घने जंगल की ओर। महसूस करिए किस तरह से प्रकृति ने पेड़ पौधों को बनाया है, किस तरह से ये हमारे लिए सांसें दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों तरफ रंग बिरंगी चिड़ियाएं घूम रही हैं। वृक्ष फलों से भरे हुए हैं। जंगली जानवर भी शांति के साथ विचरण कर रहे हैं। कुछ बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर वन है ये। यहाँ से निकलकर थोड़ा आगे चलते हैं हम। अरे यहाँ तो फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया हो। महसूस करिए इनको, इनकी खुशबू को। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, किसी को ध्यान में झटके आते हैं, घबराने की बात नहीं है। जब पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा होना प्राकृतिक है। यदि किसी को कोई विचार आ रहा है तो छोड़िए और श्वासों पे ध्यान दीजिए। यदि कुछ दिखाई देता है तो परेशान मत हुई, क्योंकि हम एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हैं। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, वाइब्रेशन फील होते हैं, कोई बात नहीं, फील करिए उसको। बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू
फ्लावर से मेरे आसपास, आप सबके आसपास आ रही है। डियर फ्रेंड्स, महसूस करिए, साक्षी भाव से आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्या बहुत सुंदर सा झरना है हमारे सामने। ऊपर से बह रहा है, बहुत ही निर्मल जल है कि हल्के हल्के छींटे हमें तरोताजा बना रहे हैं। जिस तरह से निर्मल जल ना नीचे आके झील में बदल जाता है, वैसे ही डियर फ्रेंड्स, ध्यान में आने के बाद हमारी सांसें भी हमारी ऊर्जा के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाती है और झील की तरह शांत हो जाती है। जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं सब निकल जाते हैं, रह जाता है सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार जो हमें इस झरने की तरह ताजगी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, सांसों पे ध्यान देते हैं और झील के किनारे बैठते हैं। का ध्यान करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुव्यापकं वेद ब्रह्मास्वरूपम्। नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवा हरे हरे भोले नमः शिवा। तो डियर फ्रेंड्स सांसों के साथ रहिए, आती हुई श्वास जाती हुई श्वास श्वासों के साथ हमारे मन के भाव भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे श्वासें बदलती हैं, भाव भी बदलते जाते हैं। श्वासें गहरी गहरी होती हैं, ध्यान भी गहरा होता है। धीमी धीमी श्वासों के साथ भी ध्यान गहरा होता जाता है। ध्यान एक प्रक्रिया है, प्रभु से मिलने की। हम सब एक हैं। ध्यान में आने के बाद मैं खत्म हो जाता है। जब हमारा मैं खत्म होता है तब हमारा परमात्मा से मिलन होता है। मैं ही परमात्मा और हमारे बीच की दीवार होती है। फ्रेंड्स आती हुई श्वास जाती हुई श्वास साक्षी भाव से इस श्वासों के साथ रहना है। श्वास ही हमारा मित्र है। श्वास ही हमारा साथी है। सांसों के साथ ध्यान परिवार हम सब एक है। ध्यान परिवार के सभी सदस्य एक ही है।
फ्रेंड्स आती हुई स्वां जाती हुई स्वां के साथ रहना है सांसों के साथ मस्ती आनंद ही आनंद है friends 5 minutes on Mahavatar Baba ji ka koti koti dhanyavaad Nam Rishi Pitaji Mahaka Nam Rishi Pitaji Patri ji ka bahut bahut aabhaar प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप में जुड़ने वाले सभी मास्टर्स को खुशी खुशी मिली तो फ्रेंड्स यदि कोई विचारों में है तो धीमे धीमे अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करें से अपने पैरों को खोलें सीधा कर सकते हैं अपने हैंड्स हाथों की उंगलियों को धीमे से कोशिश करें अलग करें और सबसे पहले अपने हृदय के पास लेके जाएं अब अपनी आंखों के पास लेके आए बड़े प्यार से अपनी आंखों पर रखें हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीमे से खोलो और फ्रेश एनर्जी में आ जाए ताजगी का महसूस करें धन्यवाद फ्रेंड्स
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू प्रभा मैम. थैंक यू प्रभा जी. बहुत थैंक यू. थैंक यू सुप्रिया जी. बहुत बढ़िया कराया आपने प्रभा जी. थैंक यू. अच्छा लगा. थैंक यू सो मच प्रभा मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू समिया. अच्छा सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया. बहुत अच्छा कराया. थैंक यू प्रभा. थैंक यू जी. थैंक यू प्रभा मैम. प्रभा जी थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. बहुत अच्छा. कश्मीर की वादियों में ले गए ऐसा लग रहा था. घर में बैठे बैठे हमने कश्मीर की वादियों का आनंद उठा लिया. मेरे को जो आने की दिल कर रहा था. मेरा तो आने की दिल नहीं कर रहा था. बहुत डिफरेंट उसमें आज फीलिंग है. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा लग रहा. थैंक यू. हाय प्रभा. कोई अपने. थैंक यू. बहुत अच्छा कराया. बहुत अच्छा कराया. पहले दो जो है ना इतना बढ़िया जी. वो उसका गीता का वो श्लोक का इतना अच्छा वो किया जी संगीता. बहुत अच्छा मेडिटेशन करा दिया. आनंद ही आनंद. थैंक यू संगीता. बहुत अच्छा. धन्यवाद. थैंक यू जी. धन्यवाद. थैंक यू योगराज जी. थैंक यू. आप आपको पहली बार देखा मैंने. आज हम आज ही जुड़े हैं आप लोगों से और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. मैं इतने दिन से क्यों नहीं जुड़ा लेकिन आज ही मुझे लिंक मिला कहीं से. आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगा और मुझे गीता ज्ञान से बहुत फायदा हो रहा है. थैंक यू. आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में. जो है आज मुझे मिली ये कंपनी आज मिली है. अब आप अपना भी फोन नंबर दे सकते हैं तो ग्रुप में. आशा करता हूँ हम रोज मिलेंगे. हम रोज मिलेंगे. आप अपना नंबर दे दीजिए चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो आपको अपने ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे. कल डॉक्टर सौरभ रंजन आ रहे हैं हमारे बीच माइंड टू मैटर बुक का करने के लिए समरी. तो आप उसका भी फिर लाभ ले पाएंगे. हाँ जी. तो चैट बॉक्स में कोई आपका रश्मि जी या जी मैं नोट कर लेती हूँ अगर वो चैट बॉक्स में नहीं डाल पाएंगे. हाँ तो आप बोल दीजिए ये आपको अपने हमारे आत्मजागृति ग्रुप में लेना चाहिए तो ले सकते हैं. हाँ जी. हाँ जी बता दीजिए. 9810429802. मैं रिपीट कर रही हूँ 9810429802. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हम लोग तो नए हैं. आप जब हमारे साथ और लोग जब आएंगे जो यहाँ के मास्टर है एक्चुअल मास्टर है तब आज तो कुछ भी नहीं है. जब आपको हमारे साथ आज भी प्रभावती मैम हम तो नए हैं बिल्कुल ही. आप ही तरह ही हाँ सबको आगे आना है ना. लेकिन बहुत अच्छा कराया आपने फिर भी प्रभावती. बहुत आनंद मिला है और कल का फिर देखते हैं. जी जरूर. स्वागत रहेगा आपका. इंतजार है आपका. थैंक यू. हाँ बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा. और मैंने कहा इंदू इंदू बाबा प्रभा बाबा प्रभावती अच्छे से वो कर दी है. हाँ बहुत बढ़िया करते हैं सच में. धीरे धीरे सब ट्रेंड हो रहे हैं. ये भी हमारे नए मास्टर भी तैयार हो रहे हैं. अच्छा कराती है. थैंक यू. तो किसी का भी नहीं है अभी. न्यू मेंबर है कोई अनु सिंह. ये न्यू है. चलो. हाँ जी. हाँ जी नमस्कार जी. हाँ जी नमस्कार. नमस्ते अनु जी. हाँ जी नमस्ते. हाँ जी नमस्कार. बहुत अच्छा लगा. ऑन करिए. हाँ जी एक मिनट हम भी दर्शन कर लें आपके. एनर्जी मिलनी चाहिए ना हमें भी आपके. नहीं सबको भी चाहिए. यस हमारे अंदर ही गुरु है. भगवान भी हमारे अंदर ही है सब. बिल्कुल जी. दूसरे के दर्शन करके एनर्जी मिलती है. हाँ जी मुझे अनुपमा जी ने ऐड करवाया था आपके ग्रुप में. अच्छा जी. अच्छा जी स्वागत है आपका. मेरे हाँ नमस्कार. थैंक यू. तो मैंने आज अटेंड किया ये बहुत अच्छा लगा मुझे. और मुझे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत ज्यादा हाथों में जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी सा रख दिया हो किसी ने मेरे गोदी में. और भारीपन सा लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा. लेकिन थोड़ा धीरे 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 वो रिलीज होता चला गया. जैसे एनर्जीज आती है अनुजी शुरू शुरू में ना. तो जैसे ये उन्होंने कुछ एक आध अनुभव के बारे में बताया अभी प्रभा जी ने. कैसे साधारण तरीके के अनुभव हैं. कहीं भी आपको भारेपन सिर पे लग सकता है जब हमारे भीतर एनर्जी प्रवेश करती है. क्योंकि हमने आंखें बंद करी हैं हाथ बंद है हमारे पांव भी क्रॉस करे हुए हैं तो 100% एनर्जी बॉडी में सेव हो जाती है.
और जब हम नेचुरल ब्रेथ को अपना देखना शुरू करते हैं, विचार जब कम होने लगते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मांड से भीतर प्रवेश करती है, तो हमारी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होती है उन पे जा करके वो धीरे धीरे उन्हें खोलती है, तो उसकी वजह से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं कि कहीं इचिंग होना, ठंडा लगना, गर्म लगना या पेन होना, उसका पेन कहते हैं, तो उसी के अनुभव वो उसी बीच खत्म भी हो जाएंगे, और कोई अगर वहां पर है आपकी ब्लॉकेज है तो खुल जाएगी। जैसे मैंने माइग्रेन ठीक किया अपना, डिप्रेशन ठीक किया, घुटनों का दर्द ठीक किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अनुभव बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस हम हर मंडे को रखते हैं, तो उसमें वो बताते हैं उन्हें क्या क्या फायदा हो रहा है। ये तो एक हो गया ना आपको शरीर के प्रति जो फायदा हो रहा है, दूसरा बड़ा फायदा ये कि खुद को जानने लगते हैं, अपनी आत्मा की तरफ हम जब बढ़ते हैं जो हम धरती पे करने आए हैं। लेकिन एक बात और मुझे, हाँ जी हाँ, कहिए कहिए कहिए। तो मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो जैसे एक ना ध्यान ले जाना पड़ता है, अभी अभी मतलब मैंने 2-3 दिन से ही शुरू किया है, हफ्ता ही हुआ है मुझे, तो मैं तो ये क्या करती थी, कोई भी उठाया यूट्यूब से और शुरू कर देती थी, जैसे मेरे को एक मन ना खिंचता था उस साइड के मैं करूं जी। तो मैंने जैसे रात को करना शुरू किया, कई बार तो क्या हुआ कि मैं तो 2-3 बार कर लेती थी दिन में कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे दिखना है, मुझे देखना है, मतलब इस तरह से एक मतलब एक वो लग गई जैसे लगन सी। फिर मैं अनुपमा जी के पास गई, उन्होंने भी मुझे एक दिन करवाया, उन्होंने तो वो चक्रास का करवाया था, ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे इसमें ऐड किया, तो आज मुझे ना जैसे आप एंड कर रहे थे ना जब, तो उस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगा जैसे सब रोशनी रोशनी सी हो गई, जैसे आप जैसे बोल रहे थे कि आप हाथ खोलो और जो है वो करो, आप जब एंड करवा रहे थे लास्ट 5 मिनट में, उस टाइम पर मेरे जैसे मुझे लगा कि मेरे को उस टाइम दिखना शुरू हुआ कुछ कुछ, मुझे ये नहीं पता क्या दिखा, मुझे ये एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक रोशनी दिखी और रोशनी 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 ऐसे चलती जा रही है, मतलब बहुत बढ़ती जा रही है वो। फिर जैसे वो आपका ये सेशन खत्म होना शुरू हुआ तो फिर मैं वापस जैसे आ गई उसमें, फिर मैंने बाद में मतलब आपके कहने के 5 मिनट बाद वो चीज मेरे साथ हुई कि मैम मैंने हाथ खोले और आगे खोले। हाँ, लेकिन साथ में हम पहले वैसे एक बार कह देते हैं, आप ध्यान नहीं रहो कि जो लोग बैठना चाहते हैं थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, अगर आपको आनंद आ रहा है, एनर्जीज है, आपको मन नहीं करा, हाँ जी, मतलब थोड़ी देर 5-10 मिनट आप और बैठ लो, फिर अपने आप खुल जाएगी धीरे धीरे, तो फिर जो अनुभूति आ रही वो भी पूरी ले पाओगे आप, और नहीं तो परेशान नहीं हो, नेक्स्ट फिर करेंगे, फिर हो जाएगी, फिर से आएगी, कनेक्ट तो होंगे ही आप, मतलब ऐसे पता नहीं चलता कि किस टाइम पे कनेक्ट हो जाएंगे हम, है ना। वो कब हम होते, जब हमारे विचार आने कम होने शुरू होते तब हम कहीं डीप पे जाते, तब हम कहीं कनेक्ट होने लगते, ट्रांस में भी जा सकते हैं और आपको अनुभव भी हो सकते हैं लाइट या किसी भी तरह के, और अगर नहीं भी होगी तो बॉडी में हल्कापन आ सकता है, खुशी लगेगी आपको, अच्छा लगेगा, एनर्जी बहुत फील होती है, तो वो भी अनुभव ही है ध्यान के, मतलब फायदे हैं जो आपको ध्यान से मिले, जरूरी नहीं होता कि हमें सब कुछ दिखे, नहीं दिख रहा तो भी अच्छा, दोनों में हमें एंजॉय करना, क्योंकि बॉडी पे तो हमें फर्क महसूस होता ही है ना, बॉडी लेवल मेन चीज वो है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अनुपमा जी भी आज आई है क्या? अनुपमा जी शायद नहीं आई है, मैंने देखा नहीं है इसमें। अच्छा, या तो आई होंगी तो ध्यान उसको चली गई, ठीक है। थैंक यू अनु जी शेयर करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, और आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी ऐड करा लूंगी, ग्रुप में तो ऐड करवा दीजिए मुझे। अच्छा, मुझे लगता है, अच्छा रश्मि जी आप लिखना जरा, इनका फोन नंबर लिख लीजिए आप, बताइए मैम। हाँ जी, 94 यस 160 हाँ जी 777 ओके मैम, मैं रिपीट करूँ, 94160777 हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, थैंक यू अनु जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। हैंड तो किसी का भी रेज नहीं है। यस, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ न्यू मेंबर है तो वो अपने आप बता सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम मिलते हैं कल 3:50 पे, सौरभ सर आ रहे हैं उनके साथ, और मैं उनका एक वीडियो अपने ग्रुप पे